ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का वास्तु लिविंग के लाइव कॉल इन शो में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। आइए दर्शकों, आपके लाइव लाइव कॉल्स को लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारी सारी लाइन्स पल्लवी जी तकरीबन पैक्ड हैं। इससे पहले कि हम इन कॉल्स को लेने का सिलसिला शुरू करें, वी विल ट्राई टू टेक ओनली वन क्वेश्चन एंड द अदर थिंग इज दैट आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ हमें राइट अवे बताइए ताकि हम फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को ले सकें। ऑलराइट, आई विल गेट गोइंग। यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? I'm Preeti Bala. I'm calling from Los Angeles. Preeti ji, welcome to the program. Question kya hai aur date of birth aur naam kya hai? Haan ji, mera question hai, hamare ghar mein pool hai south facing and south east facing. Okay. Hame bahut sari problems aa rahi hain. Aur courtyard hamara hai west aur south west facing. Ji. आप जानना चाहते हैं पल्लवी जी से कि क्या प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? नाम बताएं अपना प्रीति जी। ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है, आपके हस्बैंड की है, आप दोनों के नाम की है, कैसे है? हाँ जी, वो मेरे नाम पे है और मेरे हस्बैंड संजीव कुमार के नाम पे है। जॉइंट प्रॉपर्टी है। ओके, आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मेरा नाम है प्रीति बाला और मेरी डेट ऑफ बर्थ है April 23rd 1975। ओके, और मेरे हस्बैंड का नाम है संजीव कुमार एंड डेट ऑफ बर्थ है August 18, 1961। जी पल्लवी जी। प्रीति जी, आपका जो स्विमिंग पूल की पोजीशन है उसमें दो परेशानी है। पहली बात यह है कि उस दिशा में जनरल वास्तु के नियमों के अनुसार भी नहीं होना चाहिए, वास्तु के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। और दूसरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ से साउथ साउथ ईस्ट आपके लिए सबसे अनलकी डायरेक्शन है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो जब कभी भी घर में हमारी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कोई बड़ा वास्तु दोष हो तो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर कोई वास्तु दोष हो तो वो हमें कम नेगेटिव इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा होने की वजह से परेशानी है। दो ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन सिंपल ये है कि आप पूल का पानी निकाल के पूल को बंद कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ खास तरह की प्रोडक्ट रेमेडी और लैंडस्केपिंग के माध्यम से पूल को कंटिन्यू रखते हुए आप उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन उस बातों के लिए मेरे को आपके घर का स्ट्रक्चरल लेआउट चाहिए। आप हमें ईमेल कर सकते हो, हम लोग स्विमिंग पूल वगैरह की पोजीशन को विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं। प्रीति जी, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉलर नाउ। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? हाय, माय नेम इज सुमन शर्मा। सुमन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। या वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से बोल रहे हैं। सुमन जी, गो अहेड, व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ October 29, 1961 है और मेरा क्वेश्चन है कि अपने घर के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। जी, तो ये घर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपका घर है, आप खरीदना चाहते हैं, क्या है? नहीं, खरीदा हुआ है, 10 साल से मैं इसी घर में रह रही हूँ। ओके, ऑलराइट, गो अहेड। तो ये नाम आपके घर पे है? नाम मेरे हस्बैंड के नाम से और मेरे नाम से है, जॉइंटली परचेज्ड है। ओके, तो आपके हस्बैंड का नाम भी चाहिए होगा पल्लवी जी को, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होगी। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नाम है रमेश शर्मा और उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1962। ओके, और मेरा है 29 अक्टूबर 1961। ओके, ऑलराइट। तो आप ये जानना चाहते हैं कि घर से संबंधित आपका प्रश्न है, पल्लवी जी क्या कहेंगे? सुमन जी, अभी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, उसके हिसाब से आपके पति पत्नी के लिए जो फेवरेबल डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, अपोजिट है। सो यू बोथ गाइज आर अपोजिट पर्सनालिटी। बट उसका फ़ायदा कई बार ये होता है कि एक का एक दूसरे के साथ बैलेंस करना, सब्स्टिट्यूट करना दिशाओं वाइज अच्छा हो जाता है। आपकी हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार और आपका दोनों का कंबाइंड मिला के अगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको घर सिर्फ ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का लेना चाहिए। फिलहाल के घर के पोजिशन के अंदर जिस दिशा का दरवाजा हो, अगर ये दो दिशा के अलावा कोई भी दरवाजा गलत, कोई भी दूसरी दिशा का होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ अपने घर के बारे में जानना चाहते हो तो घर का एड्रेस आप हमें भेज सकते हो, लेकिन आइडियली वास्तु के अनुसार इस तरह के कपल के लिए सबसे अच्छा घर माना जाएगा ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट का। पीस ऑफ माइंड इसलिए चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो आपके लिए लकीस्ट डायरेक्शन है और नॉर्थ ईस्ट का जो एलिमेंट है वो वहाँ पे रखने से आपको वहाँ पे शांति मिलेगी। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि आप अपोजिट पर्सनालिटी हो तो मेरे को उससे कुछ बातें थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेंटेड वेनीला कैंडल को रखें,
बहुत ही वहाँ पे कोई भी चीज़ों को क्लटर फ्री कर दे और एमेथिस्ट रॉक को रख के देखे, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें शांति मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉलर नाउ। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? Yeah, my name is Sanjeev Patel and I'm calling from Charlotte, North Carolina. Charlotte, North Carolina. Sir, welcome to the program. What is your question? Yeah, I'm wanting to buy a house that has a laundry and a toilet in the northeast direction. Is that going to be favorable? Should I go ahead and buy the house or not? Okay, you mentioned your name as Sandeep, right? Sanjeev Patel. Sanjeev, can you mention your date of birth as well? December 3rd, 1959. December 3rd, 1959. All right, go ahead, Pallavi. Pallavi is suggesting to get the name of your wife as well and her date of birth as well. Bina Patel. Okay. And her date of birth is July 30th, 1967. Okay. Okay. जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज़ योर लकीस्ट डायरेक्शन। अगर उसमें कोई भी तरह का टॉयलेट या कोई भी तरह की ड्रेनेज की व्यवस्था हो, वैसा अगर आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा एंड सपोज़ इस तरह की खामी मतलब जो कोई भी व्यवस्था में अगर आप रहते हो, तो 2 साल, 4 साल, 6 साल और 8 साल, ये पूरे साल इस घर के अंदर ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर, उसमें आपको परेशानी होने के चांसेस है। संजीव जी, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वैसे भी संजीव जी अच्छा नहीं माना जाता। इट्स अ बिगेस्ट वास्तु दोष। इट्स अ लॉन्ड्री रूम एंड अ टॉयलेट बोथ आर इन द या एक्चुअली या सो पूरा जो ऑल ओवर कैलकुलेशन होगा, इट्स नॉट लाइक वर्बल बट पूरा कैलकुलेशन है, उसमें से ड्रेनेज आउटलेट बाहर जाता है, लॉन्ड्री से भी पानी बाहर जाता होगा और नॉर्थ ईस्ट की वजह से भी सीवर लाइन वहां पे बनी हुई होगी। तो ये दोनों बड़े वास्तु दोष है जिसको बहुत ही गलत माना जाएगा। मेरा प्रोफेशनल आपको एडवाइस है कि इस तरह की व्यवस्था वाली चीजों को नहीं रखना चाहिए या उसको तुरंत ही रेक्टिफाई करना चाहिए। All right, we'll take another short break over here and be right back after these messages. Stay tuned and keep watching Vastu Living.